Hey you, wait a minute. आप ये क्या rumors फैला रखा है? हाँ? You think finally आप इतनी lucky हैं कि मैं युवराज आपके साथ flirt करूँगा? या तो आपका सीसा आपसे झूठ बोलता है, या फिर आप males and bones की novels पढ़कर over romantic हो। वैसे एक बात बताएं, मुझे लेकर लड़कियों में हमेशा से बहुत सारी गलत फहमियां रही हैं। मैंने देखा है स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में, आज युवराज मुझे देखकर मुस्कुराया, आज युवराज ने मुझे मिस्ड कॉल दी, आज युवराज मुझे लिफ्ट देने वाला है, आज अगर युवराज ने मुझे फोन नहीं किया तो मैं अपने हाथ की नस काट लूंगी। सो मैडम, मैं विश्वामित्र नहीं हूं, फिर भी मेरी गायें मेरे चारों तरफ डोलती रहती हैं। महाभारत के उस दरबार में अगर मैं प्रेजेंट होता ना तो दुशासन नहीं, द्रौपदी खुद अपना चीरहरण कर लेती और भगवान कृष्ण को तो आवाज तक नहीं देती। सो बीबी लेट मी टेल यू, युवराज को कभी किसी के साथ फ्लर्ट करने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि एट द सेम टाइम मेरे पास दर्जनों लड़कियां उससे फ्लर्ट करती रही हैं। और वैसे भी मेरी रोमांटिक लाइफ हमेशा से हाउसफुल रही, तो मुझे कभी किसी के साथ फ्लर्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। और अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आया है कि मैं आपके साथ फ्लर्ट कर रहा हूं, तो आप ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि युवराज को कभी किसी के साथ फ्लर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और अगर फिर भी आपके दिमाग में ये ख्याल है ना कि मैं आपके साथ फ्लर्ट कर रहा हूं, तो और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, समझी?